हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और वेलकम है आपका मेरे चैनल आकाशवाणी में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मींस कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आपके साथ में क्रिएट होता है, मींस एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में विचार करते हैं, तो होता क्या है आपके साथ में वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है। आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कैसे काम करता है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि यार उसका कॉल नहीं आया, काफ़ी दिन से उसका कॉल नहीं आया, काफ़ी दिन से सडनली उसका कॉल आ जाता है, तो इस चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचें और वो चीज़ तुरंत क्रिएट हो जाए या कुछ टाइम में क्रिएट हो जाए या कुछ दिन में क्रिएट हो जाए, तो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है कि हम जब कुछ सोचते हैं ना, तो हमारे माइंड से ना रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, और वो आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है उसी को टकरा के हमको वापस रिफ्लेक्ट करती हैं। मीन्स कि हम जो सोचते हैं वो आसपास के एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और वापस हमें ही रिफ्लेक्ट होता है, हमें ही वापस क्या नाम हमारी तरफ वो वेव्स वापस आ जाती है। मीन्स कि हम जो भी सोच रहे हैं वो वैसे ही हमारे साथ में प्रैक्टिकली होने लग जाता है। अब ये चीज़ उस तरीके से काम नहीं करती कि आप माइंड में ये चीज़ सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को ऑडी चाहिए, ऑडी चाहिए, ऑडी चाहिए, और ऑडी आपको मिल जाए। नहीं, ऑडी दिख सकती है बट मिल नहीं सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, मीन्स कि आपने हमेशा एक चीज़ सुनी होगी कि हर कोई बोलता है कि अभी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दर्शाती हैं कि आप हमेशा बी पॉजिटिव रहो, कि हमेशा अच्छा सोचो। मीन्स कि और एक चीज़ कहते हैं कि हाँ मुंह पे सरस्वती बैठी होती है, हमेशा अच्छा बोलो। तो ये जो सारी बातें हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव रहो, कभी गलत मत बोलो, क्योंकि होता क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो प्राप्त करता है, ठीक है। तो आपको इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। आपके माइंड में कभी भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, किसी भी चीज़ को नेगेटिव थॉट्स आपको माइंड में लेकर के आ रहे हैं, कभी भी उस चीज़ के बारे में गलत मत सोचो। होता क्या है कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी से लड़ाई हुई है, और आप उसके मोहल्ले से निकल रहे हैं, ठीक है, वो बंदा आपको 2-3 महीने से नहीं मिला, ठीक है, सडनली आप उसके मोहल्ले से निकलते हैं, या फिर आपके माइंड में सडनली एक थॉट आता है कि यार वो बंदा यहाँ पे मिल सकता है, वो बंदा ना मिल जाए, और होता है क्या, सडनली वो बंदा सामने से आ रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आपने उसके बारे में सोचा, आपने आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता कि वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आप सोच रहे हो, उसका काम है सिर्फ आपको देना। समझ आ रही है कि आप जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जैसा सोच रहे हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो चीज़ वैसा देगा, बट उसको ये नहीं पता कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। बस आपका माइंड जो चीज़ ज़्यादा सोचता है वो चीज़ आपके साथ वैसे क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सडनली जैसे कि आपके साथ में क्या होता है, आप किसी पर्सन के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, यार बहुत दिन से उसकी कॉल नहीं आई, और सडनली उसकी कॉल आ जाती है। तो ये सारा काम कौन करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता है। तो इसलिए आपके माइंड में कभी भी किसी चीज़ को लेकर के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपने कभी भी उस चीज़ के ऊपर नेगेटिव नहीं सोचना है। कुछ भी अपने माइंड के अंदर नेगेटिव लेकर के नहीं आना है कि यार मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा, तो फिर ये करूँगा वो हो जाएगा तो फिर वही होता है आपके साथ सही नहीं होता है, ठीक है। सपोज दैट आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप सोचो यार मैं हार जाऊँगा, तो हारोगे ही ब्रदर। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट हो ना, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपके लिए, वो कहते हैं ना कि अगर आप क्लास के अंदर अगर आप 90 मार्क्स सोचते हो तभी आपके 70-80 आते हो। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव लेकर के चलो, अगर आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को इतना मिल जाए, तो कम से कम उतना नहीं तो उससे कम तो मिलेगा, पर अगर आप माइंड में यही चीज़ लेकर के चल रहे हैं। अब एक और चीज़ बताता हूँ, होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए कोई पार्टनर हैंडल करते हैं, आपको कंटिन्यू रिजेक्शन फेस हो रही है, बैक टू बैक रिजेक्शन आ रही है, आपको रिजेक्शन आ रही है, आपका पार्टनर डन नहीं हो, पता है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। जब आपका पहला दूसरा पार्टनर रिजेक्शन देके चला जाता है ना, जब आपका तीसरा पार्टनर जब आपका आता है ट्रेनिंग लगाने के लिए, तो आपके माइंड में पता है क्या चीज़ आती है, यार ये भी चला जाएगा, ये भी ज्वाइन नहीं होगा। तो होता क्या है, आप अपना बिलीव कम करके अपना एक सैड सा फेस लेकर के उसको हैंडलिंग उस तरीके से नहीं करते, आपके माइंड में रहता है ये भी चला जाएगा, आपको मतलब वो बिलीव ही नहीं आता कि साला दो चले गए तो ये क्यों ज्वाइन करेगा। तो आपके माइंड में वो चीज़ रहती है कि ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, और फाइनली होता क्या है, वो भी चला जाता है। तो ब्रदर, आपने कभी भी अपने माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट लेकर के नहीं आना, आपने ऑलवेज बी पॉजिटिव रहना। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका कोई भी काम है, आप किसी भी काम के लिए निकले हैं, आप घर से इंटरव्यू के लिए निकले हैं, यार आप जॉब पे जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, अपने माइंड में कभी मत लेकर चल रहे हैं। कई बार होता है कि आप सोचते हैं यार आज अंदर से फीलिंग आती है, यार आज मैं बाइक लेके निकला हूँ, बाइक का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ठुक ना जाए, होता क्या, ठुक जाती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड होता है कि ये जब एक्टिविटी आपके साथ में होती है, आप सोच रहे हैं तभी वो एक्टिविटी आपके साथ में हुई। तो दोस्तों, आपने करना क्या है कि अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ध्यान रखना बस, ठीक है। आप कोई भी काम करो, बस अपना बी पॉजिटिव होकर के काम करो, अपने माइंड में कभी भी उस चीज़ के रिगार्डिंग नेगेटिव थॉट मत लेकर आओ। नेगेटिव थॉट ऐसे हैं ना
कि आप कोई भी काम करने निकलोगे ना, पहले उसकी 100 बातें आपके मन में नेगेटिव आएगी, 10 बातें कहीं अच्छी आएंगी जिसकी वजह से आप उस काम को कर रहे होंगे, पर 100 बातें आपके मन में यही आएंगी, नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, तो वो काम आपका होता ही नहीं है फिर, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहा हूँ, मेरे को कहाँ से पता लगा? दोस्तों ये आज से 4-5 साल पहले ये मूवी मैंने देखी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, द सीक्रेट, ठीक है। और मैं जो लोग ये वीडियो मेरे देख रहे हैं कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा, क्योंकि मैं अपनी हर क्लास के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता हूँ कि अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करें, उस मूवी को देखें, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी लाइफ को एक नया मोड़ मिलेगा अगर आप उस पिक्चर को देखते हैं, ठीक है। उस पिक्चर का नाम है द सीक्रेट। उस मूवी के अंदर 1 घंटे 40-45 मिनट की मूवी है, हिंदी के अंदर डिस्कवरी मूवी है। उस मूवी में द सीक्रेट मूवी के अंदर 45-50 मिनट सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही बताया गया कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है बिल्कुल डीपली। तो उस मूवी का मैं डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दे दूंगा, अगर आपने वो मूवी देख ली ना ब्रदर, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ को एक नया मोड़ मिलेगा, आप बिल्कुल अपनी लाइफ को लेकर के बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका जब भी माइंड डाइवर्ट हो आप उस मूवी को देख लेना, और वो मूवी ऐसी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, मैं उस मूवी का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, आप उस मूवी को देखना, उस मूवी को देखने के बाद इधर कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना वो मूवी कैसी लगी, ठीक है। उस मूवी को मैंने आज से 4-5 साल पहले देखा था, और लाइफ के अंदर मैं जो भी चीज़ अचीव करना चाहता हूँ ऑलमोस्ट वो अचीव करके ही हटता हूँ, और जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मैं अपनी लाइफ में कितनी अचीवमेंट्स ले चुका हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कैसे काम करें, ऑलवेज बी पॉजिटिव सोचें, किसी भी चीज़ को नेगेटिव अपने माइंड में लेकर के ना आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, नमस्कार।